जिंदगी में जब भी हम परेशान हो जाते हैं या किसी कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं तो अक्सर हम अपनी परेशानियों को लेकर किसी बड़े के पास जाते हैं। अक्सर हमें उनसे वही जवाब मिलता है जिनकी हमें उम्मीद ही रहती है, लेकिन कई बार हमें कुछ ऐसे जवाब भी मिल जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से पूछता है, पिताजी मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? उसके पिता को ये बात समझ में नहीं आती है और उसके पास उसका कुछ जवाब भी नहीं होता है। उसके पिता उसे कहते हैं, बेटा तुम अमीर ही हो। यह सुनकर बच्चा लौट जाता है। एक साल बाद वो बच्चा फिर अपने पिता के पास आता है और वही सवाल करता है, पिताजी मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? उसके पिता उसे फिर वही जवाब देते हैं, बेटा तुम अमीर ही हो। कुछ समय बाद वक्त गुजरता है और वो बच्चा बड़ा हो जाता है। उसे अब यह समझ में आ जाता है कि उसके पिता अब तक उससे झूठ बोल रहे थे और उसे मूर्ख बना रहे थे, क्योंकि अब तक उसका परिवार बहुत ही गरीब और परेशानी वाली हालत से गुजर रहा होता है। वो लड़का शहर जाता है और नौकरी की तलाश करने लगता है। बहुत कोशिशें करके भी उसे किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलती। वो एक वक्त बाद बहुत थक जाता है, हार जाता है और ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन कोशिशें करने के बाद लगभग एक साल बाद उसे एक छोटी सी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। नौकरी लगने के बाद उसके पिता उसके पास आते हैं और अपने लड़के से पूछते हैं, बेटा अब क्या तुम सच में अमीर हो चुके हो? ये सुनते ही उस लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, पिताजी आप चुप रहिए, आपने मुझे बचपन से बेवकूफ़ बनाया। आप कहते थे कि मैं बचपन से ही अमीर हूँ, लेकिन सच्चाई तो आप जानते ही हैं, हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं थे और अब मेरी एक छोटी सी नौकरी लगी है तो आप कह रहे हैं कि मैं अमीर हो गया हूँ। उसका पिता थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि जब तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही थी तो तब तुमने क्या किया? वो लड़का कहता है कि मेरी नौकरी जब नहीं लग रही थी तो मैं बहुत परेशान हो चुका था और टूट चुका था। उसके पिता उसे उत्तर देते हैं कि इतना परेशान होने के बाद, इतना टूटने के बाद भी तुम रुके नहीं और तुम नौकरी की तलाश में लगातार लगे रहे और आज देखो तुम्हें नौकरी मिल भी गई। बिल्कुल यही अमीर होने के ख्वाब में भी होता है। बचपन से मैं तुम्हें कहता था कि तुम अमीर हो और तुम वो बात पूरे आत्मविश्वास के साथ मान लिया करते थे। खुद पर आत्मविश्वास और खुद पर हौसला होना ही सबसे बड़ी दौलत है और वही सबसे अमीरी की बात भी है। कागज़ के टुकड़ों से हम अमीर नहीं होते, अमीर होते हैं अपने हौसलों से, अपने आत्मविश्वास से। ज़िंदगी हमें लगातार मौके देती रहती है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि सिर्फ एक मौके को पकड़ना है और सोच समझ कर उस मौके में अपनी ज़िंदगी को बदल देना है। अमीरी हमारे हौसलों से ही आती है। शुक्रिया।